हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं जिस शादी में मौजूद हूँ, ये हैं दूल्हे राजा। मैं इनको इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ और खूब तरक्की करें, माशाल्लाह ज़िंदगी का एक नया सफ़र है। तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा दूल्हे राजा के लिए, ठीक है? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब भी हैं और ये मेरा छोटा भाई है। मुझे तो आप जानते ही हैं, इनसे भी तारुफ कराना बहुत ज़रूरी था। हम रामपुर में, ये बात तो आपको पता है, पिछले 3 दिन से, लेकिन आज हम यहाँ पर एक शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। वो बड़े भाई साहब मेरे चैनल के लिए कुछ बोलेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चैनल है और आप लोग इसको सपोर्ट करें, अपना भरपूर साथ दें इन्हें और इनको जो है अपने साथ के साथ कामयाब बनाएं और आप इनकी चीज़ों को पसंद करें, तो यही कह सकते हैं। रानीखेत के बहुत सारे व्यूअर्स हमें देखते हैं, मैं रानीखेत का ही रहने वाला हूँ और वहीं पे हम पले बड़े, जवान हुए और बहुत सारे हमारे लोग जो थे वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन मैं YouTube पर इतना सक्सेस हो जाऊँगा। तो वो सारे व्यूवर्स के लिए, सारे दोस्तों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये शन्नू भाई, इन्हें आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ, चंदू भाई के दोस्त हैं और चंदू भाई जो है दैनिक जागरण में एक बढ़िया वरिष्ठ, इस टाइम पे वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इसके अलावा, अच्छा, भलवानी अगर खालिक भाई अंडे वालों का लड़का अगर इस ब्लॉग को देख रहा है तो उसने तो कभी मुझसे इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं करी कि मैं कभी सक्सेस होऊंगा। आज भी कुछ बातें उसकी पता चलती हैं मुझे तो दुख होता है, लेकिन आबिद भाई, मैंने ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ किया है और मैं हमेशा करता रहूँगा। ये मैसेज मेरा आपके लिए है कि अपने साथ वालों के लिए दुआ करना, उनका मजाक मत उड़ाना। पता नहीं जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो कहाँ पहुँच जाए कल, कुछ पता नहीं है। तो चलिए आपको शादी के नज़ारे दिखाते हैं। ये तो हो गया हमारा तारुफ। अब तो सालन का थोड़ा डोंगा ला दियो। हाँ हाँ, बाबा एक रोटी लाना, तंदूर से गरम गरम और सिकवा के लाना। सालन चाहिए? ना बिरयानी मिली। फंक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है, खाना बड़े प्यार से खिलाया गया। मेरी बीवी तो आई नहीं है, इनको गाइस भाई बड़े भाई अंगवान वाला अच्छा बना लिया।